जी हाँ, जो मेरा किरदार नहीं, मेरा जो किरदार, मेरा जो कैरेक्टर है प्रीतम विद्रोही, वो एक साड़ी सेल्समैन है, तो वो साड़ी बेचने का काम करता है। तो उसकी एक ऐसी एक कला है जिसमें वो बहुत निपुण है, वो बहुत आसानी से साड़ी पहन सकता है, साड़ी बेच सकता है। तो वो फिल्म का एक हिस्सा है हमारी, तो उसी कैरेक्टर के जरिए मैं सोचता हूँ ये इंटरेस्टिंग इमेज होगा कि अगर हम उसको ऐसा साड़ी लपेटे हुए दिखाएंगे तो। ओके, राज बहुत पॉजिटिव वाइब है और बहुत ज़्यादा प्रमोशन किया है फिल्म का, बहुत लोगों तक पहुँच भी रही है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स है। आर यू नर्वस? I'm happy, I'm nervous, mixed feelings. I think it's about to release now, day after it's a release. So we're just really looking forward to the release now. I think we have done our job, now it's in your hand. Okay, kya compliment mile hain aapko industry se agar baat kare, the people who are people are liking the trailer. I think we are very happy, we're actually quite overwhelming the kind of reaction we're getting for the trailer. And that's the most important thing, because your trailer is your first impression that you have for the film. And so we are really hopeful now. I think let's see, Friday will tell us. Okay, the new censor board is good. Yeah. Is here, Prasun Joshi, are you happy with me? No. Of course, we all are very happy. We all respect him a lot, we all love him a lot. He's really, we all respect him and love him. And he's really, of course, he's very senior and he knows his job really well. And I'm sure he will understand, you know, the kind of problem that all of us were going through. And we're really hopeful that we'll have a better times at the censor board now. Okay, the last one, Newton ke look ko bhi bahut pasand kara ja raha hai, the teaser is out, people yes, thank it. You Raj, how happy you are? You know, I'm very happy. I'm you know, as an actor, that's what I want to do, exciting work and different work. I want to look different and work differently in all my films when it comes to acting. So now Bose's look is out and now Newton is out and Bareilly is releasing, so I'm very happy. I think exciting times ahead. You look damn good in that curly hair in Newton. thank you, that was a task here. I used to take around 2.5-3 hours every day for that curl. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you. So be there. Thank you. ट्रेलर तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत एंटरटेनिंग लगा, और नितेश सर और श्रेयस इन सब ने लिखी है, तो वैसी दंगल टीम, सो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। एम आई? आई डोंट नो, मुझे तो कुछ फेम नहीं मिल रहा यार। आई एम पीपल डोंट रिकग्नाइज मी ओनली, सो छोटे बाल चले गए, लंबे हो गए थोड़े, तो कन्फ्यूजन होता है। अच्छा, आप ही थग्स ऑफ हिंदुस्तान? नहीं नहीं, बस एक ही है, बस एक ही है। एंड वन थिंग आई वांट टू नो, आपकी आमिर सर से बात हुई, क्योंकि इस वक्त वो थोड़े एक बीमारी से अभी थोड़ी। हाँ, एक्चुअली मैंने किरण मैम को और उन दोनों को विश किया था कि गेट वेल सून, बट आई थिंक बोथ ऑफ देम आर लिटिल बेटर राइट नाउ। बस हाय, हे, नेक्स्ट मंथ मेरा नेक्स्ट कैरियर है। बर्फी अब तो सब छूट गया है, वेट पुट ऑन कर लूँगी अगर मैं कुछ खाऊंगी तो, मिठाई तो दूर की, सपना एक। क्या पूछ रहे हो, मिठाई? चॉकलेट्स। आपको कौन सी पसंद है? बर्फी। थैंक यू। Thank you.
पहले तो मुझे लगता है कि आई एम लकी फॉर द बोथ ऑफ देम, आई टेक द एंटायर क्रेडिट, और मैं दोनों के लिए बहुत लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ. इनफैक्ट अभी भी पहले पार शक्ति की स्क्रीनिंग पे गए और फिर आयुष में आए हैं. वी कांट अवॉइड एनी वन ऑफ देम, आई लव देम बोथ. बहुत अच्छा लगा, मैंने तो मूवी भी देख ली है, मुझे वो भी बहुत अच्छी लगी. बहुत खूब है एंड आई रियली होप इट डज वेल. अच्छा यहाँ पर देख के बोलना है, आई एम नॉट यूज टू दिस. इनके बारे में ही इज डन अ गुड जॉब एंड इनसे ज़्यादा आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दी अदर को एक्टर्स ऑल्सो. दे आर डन ब्रिलियंट, कृति एंड राज, दे बोथ हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब. थ्री ऑफ देम, तीनों बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को. एंड इट्स अ ब्यूटिफुल स्पेस जहाँ पर तीन एक्टर्स आर गिविंग स्पेस टू ईच अदर, दे नॉट कटिंग इन टू ईच अदर स्पेस एंड इट कम्स आउट रियली नाइसली. आई हैव सीन दैट एंड आई थिंक something to do with this reproductive organ. I think if the entire nation is obsessed with it. And Vicky Donor did really well and I really hope this does well also. मिल लेते हैं बस रात को. he's busy and I'm happy and he's doing well for himself. मिल लेते हैं, हम बात हो जाती है, टेक्नोलॉजी है, एसएमएस है, मैसेजिंग है, सब कुछ हो जाता है. मेरे से बात करते रहते हो आप, फिर क्या पूछोगे मुझसे. नहीं नहीं हां, आर यू नर्वस? यू नो रिलीज है और बहुत एक्सपेक्टेशन है और प्रमोशन किस कदर का प्रमोशन किया है यार, मतलब हां इसकी प्रमोशंस काफी अच्छी हुई है. पहली बार किसी फिल्म की मेरी अच्छी प्रमोशन हुई है बरेली की बर्फी. और बस उम्मीद करते हैं जैसे ट्रेलर अच्छा लगा वैसे फिल्म भी अच्छी लगे. और अब इसके बाद मैं दूसरी शुभ मंगल सावधान में बिजी हो जाऊंगा, उसका शुरू हो गया है. तो आई थिंक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बोथ द फिल्म्स. ओके, आर यू नर्वस? यार नर्वस और एक्साइटमेंट दोनों है, क्योंकि ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशन है, लोगों को ट्रेलर बहुत अच्छा लगा है तो वो उम्मीद रखते हैं कुछ अच्छी फिल्म उनको लगे. और मैं चाहता हूँ कि उनको लगे कि उनको फनी लगे, क्वर्की लगे, अच्छी लगे, फैमिली एंटरटेनर लगे. फिंगर्स क्रॉस फॉर दैट. या मुझे बेसन की बर्फी अच्छी लगती है. जाना है यशराज, जाना है. ओके ना, लास्ट वन, सेंसर बोर्ड हैड बीन चेंज, यू नो पर्सन जो चीज ऑन. हां हां, हाउ हैप्पी यू आर? खुशी मना रहे हैं हम. शुभ मंगल सावधान. अब कट कम होंगे अब, क्योंकि आई थिंक वो थोड़े और आर्ट को प्रोत्साहन देंगे और इनकरेज करेंगे, क्योंकि वो खुद रंग दे बसंती जैसी फिल्म में लिख चुके हैं, काफ़ी प्रोग्रेसिव थिंकर हैं, तो उससे आई थिंक थोड़ा और आर्ट को प्रोग्रेसिव बनाएंगे. ऑफकोर्स शुभ मंगल सावधान के लिए बहुत ही खुश हैं हम. विजय बालन और प्रसून जोशी आए हैं. थैंक यू.